गणेश भगवान की जय। आज हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे, गणेश चतुर्थी जो अभी कल ही 22 अगस्त को है, क्यों मनाई जाती है। एक बार माता पार्वती ने भगवान विष्णु को देखा तो भगवान विष्णु तो बहुत सुंदर दिखते ही हैं। उनको देखकर के पार्वती मैया के मन में विचार आ गया, क्योंकि वो तो पार्वती जगदम्बा है, सबकी अम्बा है ही सही। वो तो विचार ये आया कि अगर ये मेरे बेटे हों तो कितना अच्छा। वात्सल्य भाव आ गया, अगर ये मेरे बेटे हों तो कितना अच्छा हो। अब जगदम्बा के अंदर कोई विचार आए और वो सिद्ध ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उनका स्वरूप ही है या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। सिद्धि रूपेण संस्थिता है वो। उनके मन में विचार आया, भगवान विष्णु का सौम्य स्वरूप देख करके ये मेरे बेटा बन जाए, बालक बने तो बहुत अच्छा होगा। तो एक दिन क्या हुआ, माता पार्वती स्नान करने के पहले उपटन लगा रही थी अपने शरीर में। उपटन को लगाया और उसी उपटन को हटा करके शरीर पे से उन्होंने एक सुंदर सी आकृति बनाई। बहुत ही सुंदर स्वरूप एक निर्मित किया उस उपटन से। और जैसे ही पार्वती ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसकी तरफ देखा तो उस मूर्ति के अंदर प्राणों का संचार हो गया। वो मूर्ति सगुण हो गई और प्रकट होकर के उसने माता पार्वती के चरणों में प्रणाम किया। तो इस मूर्ति के रूप में कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु ही उसमें प्रतिष्ठित हो गए थे। माता पार्वती की उस इच्छा को पूरा करने के लिए, उस भावना को सिद्ध करने के लिए जो उनके मन में आई थी कि ये मेरे बेटा बने तो कितना अच्छा हो। अब भगवान विष्णु भी सोच रहे थे चलो इस रूप में जाएंगे तो कुछ ना कुछ संसार का भला ही होगा, और ये जगदम्बा है इनका बेटा बनूंगा तो मेरे लिए भी अच्छा होगा। भगवान विष्णु की भी इच्छा हो गई थी कि मैं इनका बेटा बनूं, क्योंकि विष्णु पालन करता है, उनको ये लगा रहता है कि मैं कैसे भी संसार में किसी भी रूप में जाकर के संसार के लिए कुछ करूं मैं महाराज। इसलिए भगवान विष्णु ही यहां इस उबटन से बनी हुई पार्वती कृत मूर्ति में प्रकट हो गए महाराज। और उस समय उनका कोई नाम नहीं, वो तो जब भगवान शिव को पार्वती मैया नहाने चली गई और गणेश जी को वहीं खड़ा कर दिया, कहा कि बेटा कोई भी है उसको अंदर मत आने देना, मैं स्नान करने जा रही हूं। अब माँ का आज्ञाकारी बेटा खड़ा महाराज। पार्वती नहाने गई, निशंकर भगवान आ गए, अंदर जाने की जिद करने लगे, गणेश भगवान ने रोक दिया, नहीं माँ का आदेश नहीं अंदर जाने का, वो स्नान कर रही हैं। अरे तू मेरे ही अंतःपुर में जाने के लिए रोकने वाला, ये मेरे घर में कौन आ गया। शिव जी को पता तो सब होगा पर ये सब लीला है उनकी महाराज। तो उन्होंने गणेश जी का सिर काट दिया और जब माता पार्वती को पता चला तो भयंकर गुस्से में आ गई। अब किसी का बेटा मर जाए तो माँ का क्या होगा, भयंकर गुस्से में आ गई। इतने गुस्से में आ गई कि त्रिलोकी को खत्म कर देंगी महाराज। अब तो सब देवता घबरा गए, इकट्ठे होकर के आए कि कुछ करो, इनका बच्चा जिंदा कर दो नहीं तो अपन सब मरने को तैयार रहो।
इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये जगदम्बा है, ये काली है, ये 84 देर में सबको, इस पूरे त्रिलोकी को ही समाप्त कर सकती हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्य 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 नमो नमः। सबने इस तरह से फिर पार्वती मैया को प्रणाम किया, उनसे क्षमा याचना की। उन्होंने कहा ठीक, हमारा बेटा जिंदा कर दो, झंझट खत्म हो जाएगी। तब शंकर भगवान से कहा, शिव जी ने कहा कि भैया, कोई भी जीव जो पहले मिल जाए उसका सिर ले आओ और मैं लगा देता हूं, इनका बच्चा जिंदा हो जाएगा। संयोग ऐसा कि हाथी मिल गया। अब हाथी का सिर ला के गणेश जी को लगा दिया। इतना ही नहीं, शिव जी ने उनको अपने गणों का अधिपति भी बना दिया, ईश्वर बना दिया, मालिक बना दिया। और फिर वहां से इनका नाम हो गया गणेश, गणों के ईश गणेश। और माता पार्वती ने प्रसन्न होकर के, उस समय गणेश भगवान का जो स्वरूप है, गर्दन कटी थी, उसके बाद फिर गर्दन जुड़ी, सिंदूरी स्वरूप हो रहा था। और उसको देख करके माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई और ये कहा कि बेटा, जो तेरे ऊपर सिंदूर चढ़ाएगा और तेरा ये सिंदूरी स्वरूप का जो भी दर्शन पाएगा, उसके जीवन के लोक और परलोक की सारी विघ्न बाधाएं खत्म होंगी और वह तुम्हारी भक्ति पाएगा और वह मेरी कृपा को भी प्राप्त करेगा। तब से गणेश भगवान के ऊपर सिंदूर चढ़ता है। आप देखना, दो के ऊपर सिंदूर चढ़ता है विषय, एक तो श्री हनुमान जी महाराज के ऊपर, जो सीता जी को अपनी मांग में सिंदूर भरा हुआ देख करके पूरे शरीर पर सिंदूर लपेट लिए थे श्री हनुमान जी महाराज, कि अगर इतने से सिंदूर से मेरे प्रभु प्रसन्न होते हैं मैया, तो मैं तो पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा लेता हूं। ऐसे ही गणेश भगवान, उस दिन से गणेश भगवान को सिंदूर लगता है। और ये गणेश भगवान माने भगवान विष्णु गणेश के रूप में इस संसार में आकर के जगत को क्या दे रहे हैं? वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभ, निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जेहि सुमिरति सिद्धि होए गणनायक करि वर बदन, करहु अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। वक्रतुंड महाकाय, बड़ा विराट रूप है इनका, बड़ा स्वरूप है, पेट बड़ा है, पर ये जो इनका आश्रय लेता है उसके चाहे भोग का मार्ग हो चाहे योग का मार्ग हो, दोनों मार्ग के जो विघ्न बाधाएं हैं उनको खत्म करते हैं। निर्विघ्नम कुरु मे देव, इसी आशा से लोग इनसे प्रार्थना भी करते हैं कि हे देव, हे गणेश भगवान, आप हमारे कार्यों को निर्विघ्न रूप से सिद्ध करें। और जे ही सुमरत सिद्धि होए, सिद्ध करते ही नहीं है, सब सिद्धियां उसको दे देते हैं। गणनायक करीवर वदन, गजमुख शीश गणेश भगवान हमारे ऊपर अनुग्रह करें, जिससे हमारी बुद्धि राशि शुभगुण सदन, वो स्वयं है, थोड़ा सा इधर भी शेयर कर दे तो हमारी बुद्धि भी बढ़िया हो जाए। इस तरह से हम लोग उनका लाभ अनंत काल से लेते चले आ रहे हैं और अनंत काल तक लेते रहेंगे। इन गणेश भगवान का प्राकट्य इस चतुर्थी के दिन हुआ था माँ पार्वती के द्वारा, इसीलिए ये चतुर्थी गणेश चतुर्थी के प्राकट उत्सव के रूप में सारे भारतवर्ष में और सारे सनातन धर्मावलंबियों के द्वारा बड़े धूमधाम उत्साह से मनाई जाती है। इस दिन हम लोग अपने घर में गणेश जी को बिठाते हैं और 10 दिन तक खूब, अब महाराज मोती चूर के लड्डू, नुक्ती के बेसन के लड्डू बना बना करके खिलाते हैं, आरती स्तुति पूजा करते और उनको प्रसन्न करते हैं। और इस तरह से प्रतिवर्ष हम ये गणेश चतुर्थी गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। धन्यवाद।